क्या कर रहा नहीं कर रहा मरने दो। सौ का नाम क्या? सरोज सिंह नाम है। ईटा भट्टा का नाम क्या है? यूके। यूके यूके नाम है। यूके ईटा भट्टा। हाँ भट्टा का नाम यूके। यूके भट्टा बहुत नाम अच्छा है। तो बहुत अच्छा नाम है। नाम है यूके बात काम नहीं दे रहा है ना, तलब दे देना नहीं रहा है। रुपया तलब नहीं देता है, हम लोग क्या करें? नहीं कर महीना महीना हो गया वो तलब नहीं देगा। ये चार महीना हो गया, ये पांचवा महीना चढ़ने वाला है। चार गया पांचवा महीना पचास सौ चार गया है। महीना के आप कति वो आता पैसा? हम लोग को महीना देता है 13,000 के महीना है प्रत्येक व्यक्ति के। हर महीना में एक आदमी को एक जना को 13,000 के महीना। हम लोग को पांचवा महीना हो गया, इंडियन पैसा है ऐसी तलब करके। ऐसी 13,000 पांच महीना हो गया है एक जना का। अच्छा अभी एक रुपया नहीं दिया हम लोग के। आप लोग का कति जाना है? हम लोग 61 जाना है, 10 लेडीज है और बाकी मर्द है। बच्चा लोग सानू सानू है, वो लोग भूखले प्यास से मर रहा है, क्या करें हम लोग? आपका देश का एम्बेसी लाजिम पार्ट काठमांडू में है, आपने वहाँ खबर करने के लिए कोशिश? सर हम लोग के पता नहीं है, मालूम है कैसे जाएंगे? मालूम ही नहीं है कैसे हम लोग जाएंगे। किसी को फोन नंबर नहीं है, पता है कैसे? मोबाइल भी नहीं किसी को पास में। हम लोग तो भूख मर रहे हैं, ये सोच के हम लोग क्या करें? कहूँ जा नहीं पाते हैं, बाटों में जाते हैं। सब मामा जी बोलता है कहाँ आए जाओ भागो, जहाँ से आए वहाँ जाओ। हम लोग रास्ता में जा नहीं पाते हैं। हम लोग हमको डर इसीलिए है कि हम कहूँ जा नहीं सकते हैं। हम लोग इंडिया का बिहार का है। आपका अपील क्या है, आप क्या बोलना चाहता है अपना सरकार के, बिहार के सरकार के? हम लोग मुख्यमंत्री के हम लोग जाना चाहते हैं। हम लोग घर इंडिया में रहेंगे, अगर इंडिया में मरे जिए अलग बात है सर, हम लोग इंडिया में चल जाएंगे। जो हमको इतना दिक्कत यहाँ हो रहा है तो कहीं घूमने जाके तो मरेंगे सर, यहाँ कौन मरेगा? मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करो, आपका मुख्यमंत्री योगी मोदी प्रधानमंत्री वो है बिहार के मुख्यमंत्री वहाँ के मुख्यमंत्री के अपील करो आपने अपना भाषा में। सर तो हमको पता नहीं है, नंबर भी नहीं कुछ नहीं, कैसे आपका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अपना के अपील करते हैं? हम लोग मोदी जो मतलब बोला है मोदी जी के नहीं नीतीश मुख्यमंत्री के। ये वीडियो नीतीश नीतीश कुमार का मतलब हुआ जो मेरा देश का आदमी फंसा है वो मेरा देश में आ जाइए, जो मेरा देश का आदमी फंसा है मेरे देश में आ जाइए। इसीलिए सर हम लोग यहाँ किससे हम चलेंगे बिहार। आपका मुख्यमंत्री नहीं, आप अपने वो अपील प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार आपका मुख्यमंत्री है ना? सनी कुमार म यहाँ सरोजीसँग कुरा गर्दैछु अहिले। भन्नुहोस् त तपाईँको कुरा सरोजी। उहाँहरूले चार महिनादेखि तलब पाएको छैन भनिराख्नु भएको छ होइन? त्यही त तलब त मलाई दिनु भएको छ अरे तपाईँहरूलाई। एक रुपया छैन, खुराकी दिया साहब। के खुराकी होने के मतलब? 1,000 रुपया जो हम लोग खाते हैं राशन पानी के वो देता था। के को लागि चाहिए अरु पैसा? तो 4-5 हफ्ता के लिए हमको नहीं देता राशन पानी। फसल में पैसा पाई रहा नहीं? हफ्ता में नहीं दिया सर, उधार खा रहे हैं फसल में। कति दिन छ हप्तामा कति पाउँछ तपाईँहरू? 7 हप्ता खाए उधार हम लोग। 7 हप्तामा एकजनाको 1,000 रुपियाँ। अहिले लकडाउनको बेला मात्रै नपाएको कि पहिलेदेखि नपाएको? लकडाउनमा त पाएको छैन तर खाना त खाइरहेको छ नि अहिले। के भन्नु छ सरले, के भन्नु छ तपाईँहरूलाई? हम लोग मतलब यहाँ जो हम लोग रहते हैं यहाँ लोग, तो हम बोले साहब के साथ हमको बिहार भेज दीजिए। तो अहिले त बिहार भेज्नु त संभव छैन। आप लोग रक्सी खाते हैं? तुम लोग ये रहो, हम लोग भूखले प्यासे हम लोग मर रहे हैं, आते हैं गैस उस मांगने आता है, कोई कुछ नहीं देता है खाने के लिए, कुछ नहीं देता है सर। तो आता है एक खाने लेके आते तो हम लोग खाते हैं सर, कनी कनी खाते हैं, सुबह शाम करते हैं सर। आपका ईटा भट्टा का मालिक का नाम क्या है? ईटा भट्टा का नाम क्या है? सरोज मालिक नाम है सर। सरोज क्या है? सरोज सिंह है। वो भी इंडिया का है? नहीं, इंडिया का मालिक है। अरे अरे सर जी, आपको एम्बेसी ने खबर नहीं किया आपने?
सर हम लोग इसलिए नहीं किए सर, वो नेता है, हम वो नेता है इसलिए हम कुछ नहीं बोल पाते हैं सर। एमबीसी है ना, आप तो इंडियन है, इसलिए आपको जो सबसे पहले वो एमबीसी में खबर करना चाहिए। नहीं सर तो हम लोग कैसे, हम लोग को देखा नहीं है, कहाँ जाएंगे सर? जाते हैं बाटों में तो घिर के मारता है, बोलता है खराब रास्ता है, किसी लिए आते हैं कोरोना के बीमार, इसलिए बोलते हैं। कौन नेता है इसके, मालिक नेता है? हाँ मालिक नेता है, नेता है क्या? कौन पार्टी का बोला है? कौन पार्टी का नेता है? कौन मालूम है ये नेता मैंने बोला है? नेता है सूरज मालिक। हम लोग कुछ नहीं देखता है, आता घूम के नहीं, क्या खाते हो नहीं खाते कुछ देखता नहीं है। हम लोग पानी पी के जी रहे हैं, मर रहे हैं, कोई नहीं देखने वाला सर। हम लोग कुछ नहीं करने वाला है, हम लोग मर रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है सर। आपने इंडिया की सरकार ने अनुरोध नहीं किया है आपने? जी नहीं, जी सर नहीं। क्यों नहीं किया है? हम लोग क्या करेंगे, मालूम नहीं है कैसे जाएंगे, नहीं पता सर हम लोग कैसे जाएंगे। राशन पानी उधार किन के लिए 5-6 हफ्ता से पैसा नहीं देता था, काम भी कोरोना की बीमारी में था सर, तो पुलिस से काम भी करवा लिया, गाड़ी बस सुन सुन के हम लोग काम कर लिए। हम लोग खाने के लिए पैसा मांग रहे थे तो पैसा नहीं देता है, बोलता अपने नाम से खाओ फसल में कितना पैसा हो गया फसल में, हम पैसा मांगते हम लोग कहाँ से दे, जब सब पैसा नहीं देता है सर तो फसल बोला के सब्जी का पैसा हम कहाँ से हम लोग देंगे। सब्जी का पैसा नहीं मांग रहा, सब्जी पैसा मांग रहा है, हम लोग सर 1 रुपया नहीं दे रहा है, हम कैसे सब्जी का पैसा, हम लोग भूखले मर रहे हैं, पानी पी पी के हम लोग रात दिन जी रहे हैं, साफ देखने नहीं आता है क्या मेरा लेवल क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मर रहा है कि जी रहा है, कोई देखने वाला नहीं है सर। हम लोग ऐसे एक टाइम खाते हैं, अभी देख गया एक टाइम खाते हैं तो थोड़ा सा शाम को लिए रख देते हैं सर, शाम को लिए रख देते हैं, फिर शाम को कभी खा के पानी फिर सो जाते हैं, ऐसा इतना मुसीबत है सर। हर भट्टा में देखा है, कोई व्यवस्था तो होगा ना, बोलो बोलो व्यवस्था कीजिए हम लोग को जाने के लिए, यहाँ भूखे तो नहीं मरेंगे। आप लोग से गुजारिश है कि हमारे सरकार तक पहुँचावे ये खबर कि हम लोग का जाने का प्रबंध कुछ किया जाए, क्या भूखे तो मर नहीं सकते, यहाँ नशा हो जाता है खाने के लिए, एक वक्त खाने से क्या पेट भर जाएगा। नेपाल सरकार ने कुछ नहीं किया है? नेपाल सरकार अभी तक हम लोग के तो देखा भी नहीं, कुछ खाने का ही लोग जो ला रहे वही खा रहे। अच्छा राशन पानी दिया बोल दिया था उसके, पूरे राशन वाशन पूरा खत्म हो गया, पैसे नहीं है तो राशन कहाँ से लाके हम लोग का दे रहे हैं, यहाँ से तो कोरोना की बीमारी नहीं था तो राशन पानी सब कुछ दे रहा था, ठीक है, जब से कोरोना की बीमारी फैल गया है तो मेरा 1 रुपया हमको नहीं दे रहा है और नहीं कुछ करता नहीं है, उधार हम अति में खाते हैं, फसल में खाते हैं, हमको 1 रुपया नहीं हमको देता है, सब मांगने आते हैं साहब से, बोलता पैसा नहीं है, तुम लोग खाओ क्या खाते हो नहीं खाते हो हमको कोई मतलब नहीं है, रहो हिए मरो सरो हमसे कोई मतलब नहीं है, वो आग घूर के आता नहीं है सर। आ 4 महीना हम लोग खट लिए, 5वां महीना जाने वाला है, चढ़ने वाला चढ़ गया है, हम लोग 5 महीना होने वाला है, 1 रुपया नहीं दिया तलब में से, तलब में से 1 रुपया नहीं दिया है, हम लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। क्यों नहीं दे रहा है? मांग नहीं आता, बोलता है पैसा नहीं है, कहाँ से दे, बैंक बंद है, यह बंद है, तुम लोग बोलते हैं जाने के लिए तो पास नहीं बनाता है साहब, कैसे हम लोग जाएंगे, ऐसे बोलता है। आप यहाँ के सब सब लोग अब बिहार में अपने घर जान हम लोग भूखले प्यासे यहाँ मर जाएंगे, इससे अच्छा है तो मैं इंडिया में जाके हम लोग मर जाएंगे, ठीक ना, यहाँ तो भूखले प्यासे हमको साथ कुछ नहीं दे रहा है, इससे अच्छा भूखले प्यासे हम बिहार में मरेंगे, बिहार में रहेंगे, यहाँ कोई नहीं देखने वाला सर, तो कौन देखने वाला बताइए सर, कौन देखने, कोई नहीं देखने वाला है, हम लोग भूखले प्यासे मर रहे हैं सर, कोई आके कोई देखता नहीं है कि मेरा लेवल क्या होता है नहीं होता है, मरने दो ये समझ के हमको छोड़ दिया हम लोग की ना। म चाहिँ काम गर्छु स्टाफ हो होइन, होइन म स्टाफ हो, ओनर त होइन, ओनर त उहाँ त आउनै भएको छैन, उहाँको सरोज दङ्गल। समस्या चाहिँ के हो भने यो अब यिनीहरू बिहारी पऱ्यो होइन, यो मधेसीहरू त बिहारी पऱ्यो, अब यिनीहरूलाई बिहार पठाउनु पर्ने पनि हामीले सकिरहेको छैन होइन, अब खाना खुवाउनु पर्ने विषयमा चाहिँ अब यिनीहरूलाई चाहिँ अब भरपेट पर्ने भनेर खायो फोन त खुवाइरहेको छु, अब भरपेट भनेर त कसरी खुवाउने होइन, पुरै अब दिउ बिहान बेलुका दिउँसो त हामीले खुवाउनु सक्दिनँ, बिहान बेलुका चाहिँ खुवाइरहेछ, कुनै सङ्घ संस्थाले पनि खुवाइरहेछ, अस्ति रासन ल्याएर पनि दिइरहेको पनि छ होइन, दिन पनि दिइरहेछ, अब पसलबाट पनि अलिअलि ल्याएर दिइरहेछ, अब बाँकी रह्यो पैसा, अब खैनी गुट्खा यस्तो चिजहरू त हामीले व्यवस्थित गर्न सक्दिनँ, अब त्यति मात्र हो, यिनीहरूलाई चाहिने अब खैनी गुट्खा हो धेरै आवश्यक चिज, यिनीहरू केटी पनि खान्छ, केटा पनि खान्छ, बच्चा पनि खान्छ, अलि जस अलि बच्चा भनेर सानो बच्चा होइन कि जस बुझ्ने छैन जस थोरै भनौँ न, अब उनीहरू पनि खानुपर्ने हो, अब त्यही मात्र गुनासो उनीहरूसँग छ, अब घर जान नपाइरह त्यही हो, अब
सक्दो सक्दो चाँडो चाहिँ हैन जति सक्दो चाँडो चाहिँ उहाँहरूलाई घर पठाउनु पर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। सर तपाईँहरूले अब चाहिँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई बिहारबाट ल्याउनु भएको छ, अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा तपाईँ पठाउन सक्नुहुन्न भनिराख्नु भएको छ, तपाईँले चाहेर पनि सक्नुहुन्न यो त थाहा छ हामीलाई पनि, सरकारले पनि अहिले उहाँहरूलाई पठाउनुको निम्ति त्यति उहाँहरूसँग प्रशस्त योजना त छैन, यो त कि त भारत सरकारले आफै गर्नु पर्यो। यस्तो अवस्थामा लकडाउनको अवस्थामा एकदेखि अर्को अहिले त झन् केही दिनदेखि काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिर छान्न सक्ने अवस्था छैन होइन, लकडाउन भइराखेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब बिहारबाट ल्याउनु भयो ल्याउँदाखेरि अहिले उहाँहरू अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ अनि उहाँहरूको गुनासो छ तपाईँले केही समयदेखि पैसा पनि दिनुभएको छैन अरे हो त पैसा नदिए होइन कि अलिअलि खर्च चाहिँ दिइरहेछ होइन, अब भयो उनीहरूलाई खैनी बिरी खर्च छुट्टै दिनुपर्छ, रासन खर्च छुट्टै दिनुपर्छ होइन, अब त्यो अलिअलि मिलाएर हामीले गरिरहेछ, एकैचोटि दुईटै दिए छैन होइन, त्यो मिलाएर गरिरहेछ, यहाँ कारोबार पनि छैन नि होइन सर, कारोबार नभएपछि त अलिक गाह्रो हुन्छ, त्यति भएर मात्र हो, नत्र कारोबार भइरहेको भए त उहाँहरूलाई दिनलाई कुनै गाह्रो होइन, हामीले नदियो भने चाहिँ एक महिनाको हो, अब त्यो एक महिनादेखि हामीले अलिअलि दिइरह्यो, धेरै दिएछ उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ केही समय भयो, तिन चार महिना भइसक्यो उहाँहरूले तलब पाउनु भएको छैन, काम गर्ने उपाय तलब त उहाँहरूलाई यो एग्रिमेन्टमै हुन्छ कि लास्टमा एकैचोटि हिसाब गरेर दिने हो, उहाँहरूलाई हप्ता हप्ता भनेर दिइरहेको हुन्छ, खैनी बिरी र रासन पानीको लागि छुट्टै दिइरहेको हुन्छ, त्यसरी गरेर दिइरहेको हुन्छ, अब यो उहाँहरूलाई चाहिँ एग्रिमेन्टमै हुन्छ कि छ महिना यो भट्टा जब अफ हुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ हिसाब गरेर दिने, उहाँहरूको चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। त्यसरी तपाईँहरूको एग्रिमेन्टमा त्यो पनि थियो यस्तो खालको प्राकृतिक प्रकोप अथवा यो डिजास्टर हुँदाखेरि महामारी हुँदाखेरि उहाँ काम के ठप्प भयो भने उहाँहरूलाई दैनिक खाना बिहान बेलुकी छाट्टार्ने व्यवस्था हामी गर्नेछौँ भनेर तपाईँहरूको त्यो एग्रिमेन्ट छ, त्यो एग्रिमेन्टमा मलाई त्यो कुरा चाहिँ थाहा भएन, मैले यिनीहरूलाई लिएर आए पनि होइन, ल्याउनु त अब माथि मिस्त्रीलाई चिनेर लिएर आउनु हो, मिस्त्री र हाम्रो अब साउ बसेर चाहिँ कुरा गर्ने हो, उहाँहरू के एग्रिमेन्ट भयो मलाई चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ दुःखको अवस्थामै प्रेम देखाउनु पर्ने हो होइन, तपाईँ प्रेम त धेरै तपाईँहरूले उहाँहरूको कामदार पनि हुनुहुन्छ, त्यति मात्र होइन अब तपाईँ एउटा मानवीयताको धर्म एउटा हुन्छ नि, यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूलाई तपाईँले उहाँहरूको आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्नु भएन भने लकडाउन खुलिसके पछाडि उहाँहरू 61 परिवार हुनुहुन्छ, फर्किन जानु भयो भने तपाईँहरूलाई त भोलि गाह्रो होला नि त कामदार पाउनु होइन, गाह्रो त अलिअलि होला नि भइहाल्छन् होइन, फैलिहाल्छ उहाँ यो फल्नु भट्टामा यस्तो भयो यस्तो यस्तो यिनीहरूले यसरी गर्छ व्यवहार भन्ने कुरा त आइहाल्छ नि होइन, उनीहरूको त अब एकै ठाउँ बिहारी मात्र त आउने हो नि, काठमाडौँ इलाकामा प्रायः बिहारी मात्र त हो नि भट्टामा होइन, यो इँटा यो डग सम्बन्धी यो इँटा पोल्ने सम्बन्धीमा त तपाईँहरूले लकडाउन भइसके पछाडि उहाँहरूको काम पनि छैन, अब यो त यहाँ मात्र होइन सबै देशभरि समस्या छ, विश्वभरि समस्या छ, अनि यही अवस्थामा चाहिँ अहिले केही संस्था अभियन्ताहरूले यहाँ खाना खुवाइराख्नुमा हामीले भेट्यौँ, तपाईँहरूको पनि कर्तव्य हो नि त उहाँहरूलाई दिनभरि खाना के अरे बिहान बेलुकी खाना खुवाउनु होइन, त्यो त सर हामीले अलिअलि दिइरहेछौँ रे सर, अब त्योभन्दा बेसी त अब सङ्घ संस्थाले पनि खुवाइरहेछ नि, फेरि कोचा कोच खाएर त बस्नु मिलेन, उनीहरूकै खर्च हुने हो पैसा हाम्रो हुने होइन नि, अनि बिहान खर्च बेलुकातिर खुवाए हुन्छ नि त तपाईँहरूले, अब बेलुका पनि उनीहरूलाई अस्ति न रासन दिइरहेको त्यहाँ पसलबाट दिइरहेको होला भनेर, अब के हामीलाई के थाहा त, अब झ्याउली पनि गर्दै हेर्नु जाँदैन, त्यत्रो मान्छेको परिवारमा त हेर्नु जाँदिनँ, अब उनीहरू आएर मिस्त्री र त्यो सरदार आएर भन्ने हो, अब उहाँले मैले मलाई भनेपछि मैले दाइलाई अब माथि अब साउजीलाई भनेर पठाउने हो, अब यहाँ यस्तो समस्या छ अरे हुन्छ दाइले म त्यस्तै हो भने म ल्याइदिन्छु रासन भने सधैँछ, अब यिनीहरूले पनि अब प्रश्न कुरा गर्न नसक्ने उनीहरूले पनि कुरा राख्नु पऱ्यो नि, मैले त राख्दै सधैँछ नि हो, त्योभन्दा बेसी त मैले के गर्नु होइन।